भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के ईमानदार प्रयास हुए हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वो होंगे जो 2014 में आज से 10 साल पहले, उनकी उम्र क्या होगी, कोई 10, कोई 12, कोई 14, तो उस समय उनको पता ही नहीं होगा कि हेडलाइन अखबार में क्या आती थी, कैसे भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद करके रखा था। साथियों, आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं, बिचौलियों और लीकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम हमने बनाए हैं, कई तरह के रिफॉर्म्स लाकर और दलालों को सिस्टम से बाहर कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए, ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों, विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए क्लीन, क्लियर और स्टेबल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने निश्चय कर लिया तो 2047 तक भारत को एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता।